सो हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? ऐसा करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो अभी आप जो ये लोकेशन देख रहे हैं तो इससे तो पता ही चल गया होगा कि मैं अभी अपने घर बागेश्वर पे हूँ। जो आपने देहरादून वाला एपिसोड देखे होंगे उसमें मैं अचानक से मुझे यहाँ बागेश्वर आना पड़ा, क्योंकि जो कॉलेज के इलेक्शन के उससे मेरा एक दोस्त था, इलेक्शन में कैंडिडेट था, तो इस वजह से मुझे रातों रात आना पड़ा। तो उसके बाद मैं ब्लॉग भी नहीं, ट्रैवलिंग के उससे थोड़ा मेरा वेदर चेंज वगैरह उस चीज़, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज वीक हो गई थी, उसके बाद मेरी मेडिसिन भी चल रही थी, तो इस वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं कर पाया। कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर पाया था। बाकी अभी आज बागेश्वर अपने घर पर है तो धूप वूप भी अच्छी आई हुई है, तो देखते हैं क्या सीन रहता है अभी दिन भर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो मैंने यहाँ जाने पहले अपने पीछे मंदिर में जो नैनांग बोलते हैं, जो पहाड़ी रिलीजन में, जो कुमाऊनी और गढ़वाली रिलीजन में, जो सीन कटने के बाद एक भगवानों को फसल का भोग वगैरह जो भी चीज़ें लगा, जब भगवान को भोग लगाया जाता है वो चीज़ें होती हैं, तो अभी आज ही दिखाता हूँ। और बाकी तो सर में अभी एक उत्तरायणी मेला होता है जो लोक पर्व है उत्तराखंड में, मतलब उत्तराखंड के ओवरऑल इंडिया में फेमस है वो मेला। तो वो चीज़ आज हम आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या प्रिपरेशन चल रही है बागेश्वर में। जो एक मैदान है, नुमाइश मैदान बोलते हैं उसे, मतलब नुमाइश खेत के नाम से जाना जाता है, उस मैदान पे मेला लगता है। तो वो तो ब्लॉग में भी दिखाऊंगा आपको, जब वो फेस्टिवल जो ये शुरू होगा उसके लाल में दिखाऊंगा क्या क्या तैयारियाँ चल रही है बागेश्वर में। बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई है सुनने में आ रहा था, बाकी भी स्टेटस में दिख रहा था लोगों के, तो अभी आज वो चीज़ आपको दिखाऊंगा। बाकी देखते हैं जैसे जैसे दिन जाता है, तो बने रहो आप लोग, दिखाता हूँ आपको। और ये बाकी तो इन गायों से तो आप मिले ही हो भाई सारे ब्लॉग्स में, तो एक बार फिर देख लो भाई इनसे मिले हुए। इनके बिना भी भाई जीवन कुछ ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि इनकी सेवा करना भाई बहुत अच्छा लगता है यार। तुम भी किया करो भाई, अपनी तरफ से जो भी चीज़ें होती है हेल्प किया करो, जैसे रोड, स्ट्रीट्स, डॉग वगैरह जो उसमें गाय वाय घूमते हैं, जैसे बैल वगैरह, तो उनकी थोड़ा सा हेल्प किया करो गाइज। मतलब कुछ हो तो तुमसे जितना बन सकता है उतना किया करो, उतना जितना हो सके उतना तो किया करो एटलीस्ट। बाकी दिखाता हूँ गाइज जो भी सीन रहता आ जाएगा। तो जिसको नहीं पता, ये हमारे जो घर में कुल देवता वगैरह का जो मंदिर जो कहते हैं वो ये मंदिर है हमारा। यहाँ पे अभी ये टाइल्स वाइल्स लगी हुई है, तो ये पीछे जो आप देख रहे हो जितनी ये ज़मीनें दिख रही है सब तुम्हारे भाई की। भाई बहुत पैसा वाला है यार, कुछ ज़्यादा पैसा हमारे पास, मजाक कर रहा हूँ यार गाइस। ये जो ज़मीनें दिख रही है ये सबकी बटी हुई है, मतलब जो भी हमारे फैमिली कम से कम 10-12 परिवार हैं, जो भी अपना तिवारी खानदान है, तो इसमें ये खेत सबके अलग अलग अलग, ऐसे सीढ़ी एक दो तीसरे नंबर का खेत दिख रहा है ये वाला हमारा है गाइस, जो ये जा रहा है पूरा ये वाला खेत है। बाकी तो ये चीज़ है यहाँ से जो व्यू, बाकी ऐसी जगह रहते हैं भाई उत्तराखंड देवभूमि। ये भी यहाँ की टाइल्स लगने वाले हैं। तो वेदर की रिपोर्ट दो, तो यार मौसम तो अच्छा हो रहा है, सुबह जल्दी धूप आ गई थी लेकिन अभी थोड़े से बादल वगैरह लग गए हैं, तो धूप इतने तेज है, प्यारे से गाय है, बहुत टाइम हो गया इनसे मिले हुए। हाँ एक ही है भाई, ये बहुत डेंजरस है, कभी भी हमला कर देती है। देखो भाई देखा अपने पास, ऐसी एक ही है, ये भी बहुत अच्छी है, ये है जी, और ये माँ बेटी हैं। क्या बता, कुछ कह रही है किसको? भाई कैमरा आते ही सारे छुप जाते हैं यार, पता नहीं क्या बात है इनमें, पता नहीं कैसा डर है इनका। चलो धीरे धीरे जितने ब्लॉग आते रहेंगे धीरे धीरे आदत हो जाएगी इनको भी, और क्या होता है। चलो भाई इसने भी पी लिया पानी, चल भाई हो गया तेरा, बहुत है, छोटी छोटी बच्ची है, इसको ज़्यादा नहीं पिलाना पानी। चलो भाई पानी भी पिला दे इसनों। ओ भाई ये देखिए इधर जरूर, वही भुर्रू ले ले भाई, लो भाई पानी भी पिला दे। अब जाते एक बार, आते हैं एक बार नीचे, देखते हैं शहर में क्या चल रहा है, दिखाता हूँ आपको त्रैणी पर्व में क्या क्या नई एक्टिविटी हुई है शहर में। तो एक बार भाई के साथ जाते हैं, पहले देखते हैं थोड़ा गाड़ी वगैरह निकालते तो ठीक है, वरना बाइक से अपना एक्सप्लोर करवाऊँगा आपको जो भी है, मतलब नॉर्मल मेल बागेश्वर में जो भी सी चीज़ें हो रही हैं अभी दिखाता हूँ आपको। भाई लगा रहा अभी गाड़ी में थोड़ा साफ कर रहा है, अरे बहुत टाइम बाद निकाल रहे हैं, सो एकदम शीशा सा हो रहा था इसका, एक बार बैठ ले गाड़ी में, अभी जाते देखते कहाँ जाते नीचे। आज थोड़ा तो आज डेट है 31 दिसंबर, तो मार्केट में थोड़ा रस रहेगा शायद मेरे हिसाब से तो, वरना बाकी देखते हैं क्या रहता है, दिखाता हूँ आपको बाकी जो भी सीन रहता है आज का। आँखों में मेरी तुम रह गए हो साहिबा, टूटा मैं कुछ ऐसा कह गए हो साहिबा। भाई एक बार जाते हैं ऊपर देखते हैं अपने जो नीचे बागेश्वर मार्केट है, हम वैसे मेन मार्केट में रहते हैं, तो एक बार जाते हैं ऊपर जो ये नीलेश्वर मंदिर कहते हैं पहाड़ की तरफ, वहाँ पे जाते हैं, उसके
बार देखते हैं वहाँ से थोड़ा कुछ व्यू दिखेगा तो बागेश्वर में क्या कुछ नया वहीं से दिखाऊंगा, क्योंकि मेन अभी वहाँ पे क्या कहते हैं एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ कि क्या रहेगा मामला। भाई कर रहा है हैवी ड्राइविंग। अभी एक अंकल थे डर गए, झेप जैसे गए वो, तो दिखाते अभी क्या रहता है। अभी सिनेमेटिक के एंजॉय करो आप, थोड़ी देर में दिखाऊंगा तगड़े तगड़े व्यू। भाई आगे कैड़े कैड़े सीन देखो आप भाई पहाड़ों के, जो मतलब मेरे भाई लोग उत्तराखंड में जैसे हल्द्वानी देहरादून या दिल्ली वगैरह गुड़गांव नोएडा से भी देखते हैं, एक दो भाई लोग हैं अपने, बाकी तो मोस्टली यही पहाड़ी के बंदे देखने वाले। तो देखो भाई कैड़े कैड़े सीन देखो भाई, पहुँच तो गया हम इधर, ये नीचे हमारा घर है यहाँ पे और मैं पहुँच गया, मतलब पास में ही है, क्या ही टाइम लगता है 5 से 10 मिनट। सिब्बू भाई के साथ है तो भाई बहुत तगड़ी गाड़ी चलाते, तो 5 ही मिनट में पहुँच गया। मुझे देखो इधर ये हमारे यहाँ पे ये हमारा घर हो गया और इसके सामने वाले पहाड़ पर आए हैं, ये यहाँ पर हमारा घर है और इसके सामने वाले पहाड़ पर आए हैं अभी हम। तो मैं दिखाता हूँ आपको अभी ऊपर जाके क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं बागेश्वर में उत्तरायणी मेले को लेकर, क्योंकि बहुत कैड़ा मेला रहता है भाई ओवरऑल उत्तराखंड में, तो तगड़ा रहता है मामला। चलो भाई पहुंच गए, देखो भाई कितना ब्यूटीफुल सा नज़ारा है भाई, सोचा तो कुछ और था आपको दिखाने के लेकिन अब यही नज़ारों का मज़े लीजिए। और तो क्या है अब यार, क्योंकि मैं नीचे मार्केट पर भी जा नहीं सकता यार भाई, समझा करो। बाकी अभी जो एक आध अच्छे अच्छे व्लॉग अभी और आगे निकालूंगा तो उसमें पूरी डिटेल दूंगा, मतलब कि क्या चीज़ें हुई हुई हैं। फिलहाल तो ये देखो भाई एक तरफा वे, मतलब ये नॉर्मली यहाँ पे जो लोकल के लोग हैं उनके लिए पिकनिक स्पॉट है, मतलब पीछे देख रहे हो इतना तगड़ा कैड़ा भी आता है, तो यहीं पे लोग अपना संडे वनडे एंजॉय करने आते हैं। और एक मंदिर के उससे भी फेमस है, शिव जी का मंदिर के उससे। तो ये देखो यहाँ से नीचे बागेश्वर वैली अपनी, बस यहाँ से दिखेगा तो कुछ दिखाता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं बागेश्वर में अभी, दिखता है तो कुछ। बाकी ये अपना मंदिर, ये सभी भाई आ गए, ये भी कैंप में गए थे, ये भी बस पहुंच ही रहे हैं आज, तो बस आते ही इनके साथ यहाँ का यहाँ को आ गए हम घूमते हुए मन बहलाने। तो ये महादेव का मंदिर है, नीलेश्वर महादेव का मंदिर है, ये अभी रिनोवेट हुआ है हाल ही में। ये कह रहा है हम यहाँ पे आ गए हैं इधर, मतलब गाड़ी हमने यहाँ से कम 60-70 मीटर होगी दूर, और ये बोल रहे हैं कि मैंने गाड़ी लॉक नहीं करी और यहाँ से लॉक हो जाए, ऐसा होता है भाई मेरे को बता दो यार, कोई जानने वाले तो गाड़ी की जिसको अच्छी नॉलेज है L2 800 यहाँ से वहाँ अनलॉक हो जाए। और ये बोल रहे कि इस पहाड़ से जो सामने पहाड़ दिख रहा है अगर वहाँ गाड़ी खड़ी होगी तो वहाँ अनलॉक हो जाएगी करके, या लॉक हो जाएगी भाई, ऐसा होता है कोई बता देना कमेंट कर देना भाई। भाई भाई तो ये कह रहा है, मेरे को तो यकीन नहीं आ रहा भाई यार, मारुति सीधी इतना तगड़ा फीचर भाई, मुझे तो लगता नहीं कि ऐसा होगा करके। बाकी तो ये देखो भाई यहाँ पिकनिक स्पॉट बच्चे बुच्चे आए हुए हैं, आज 31st December है तो इस वजह से भी थोड़ा भीड़ वगैरह है इधर, बाकी तो मेनली यही है बस जो लोकल के यहाँ पे छपरी होते ना भाई लोग वो फोटो वोटोग्राफी करने इधर जाते हैं, और तो कुछ नहीं है। जो हमारे सीबी भाई भी हैं उसमें एक जो अपने बागेश्वर की एक आइकन है, तगड़ा आइकन, 4 महीने से आ जा रहा हूँ भाई, 4 महीने से आ रहा है मेरे भी कुछ समथिंग ये हुआ, 5 या 6 महीने हो गए होंगे भाई यहाँ आए हुए, तो बाकी कुछ नहीं। अब दिखाता हूँ आप बहुत अच्छे व्यू दिखाओ यहाँ से जो भी चेंजेस अभी देखो आ भाई, अरे तगड़ा बना दिया भाई जब मैं आया था, ये पेंट वगैरह कुछ नहीं था, ये लगा ही नहीं था मुझे। हाँ भाई ये देखो भाई ये चेंजेस हैं अभी यहाँ की, ये जो सीढ़ियाँ हैं ये अच्छी मतलब दोबारा से बनाई गई हैं, और ये क्या पिलर वगैरह रेलिंग है पेंट वेंट करती भाई साहब, बाकी सर तो कुछ कैड़ा लग रहा है भाई। ये देखो दिखाता हूँ आपको भाई साहब, ये देखो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये नीचे दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये बस ये उत्तरायणी मेले के लिए दुकानें लगने के लिए ये सीन है, ये सीन मतलब जो वो होते हैं उन्होंने अपने लिए अभी से घेर लिए जगह, मतलब जगह कहाँ क्या क्या दिख रहे हैं भाई, क्या दिख रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं नीचे कपल दिख रहे हैं, तो हम तो भाई बजरंग दल से देखो पहले क्या सीन होता है, लेकिन करेंगे तो हम कुछ नहीं यार भाई, सबके अपनी अपनी लाइफ है, लेकिन
अभी कह रहा है दिख रहा है तो कुछ देखने जाते हैं बाकी तो क्या है भाई सिनेमैटिक के मजे लो देखो आप भाई, ये है बागेश्वर वैली अपनी। ये भाई ये सरयू नदी है जो जा रही है यहाँ से, गोमती नदी आती है तो इनका संगम है यहाँ पे। और ये सामने चंडिका माता का मंदिर है गाइस। ये यार यहाँ तो स्कूल के बच्चे बैठे हैं यार, देखो बंकंग मार के दिखाऊं, ये देखो भाई बंक मार के स्कूल के बच्चे बैठे। बाकी तो चेंजेस क्या आए हैं यार यहाँ नीचे साइड। अच्छा हाँ भाई इनने अभी ये कर दिया देखो, ये जो नीचे नदी वाला एरिया है ना, इन्होंने यहाँ पे बुलडोजर चला के सारा बराबर कर दिया है। बाकी वो नीचे पेंटिंग वगैरह थोड़ा सा, ये जो दीवारें दिख रही है ये रंग बिरंगी कर दी है, साइड से कुछ नए नए प्लेयर दिख रहे हैं। बाकी ये पुल और बाकी तो नीचे जाके देगा भाई, कुछ पेंटिंग वगैरह बनी है बोल रहे थे नीचे, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी है जो स्टेटस में देख रहा था मैं, बाकी दिखाता हूँ अगर नीचे गए तो। बाकी तो ये व्यू देखो भाई, और कुछ नहीं है भाई, इधर आए तो बस यही है भाई, यहीं घंटों हम जैसे मतलब पहले से जब हम स्कूल टाइम में थे तो हम क्या करते थे, जैसे हमारा मन वगैरह नहीं लगता तो हम भाई घर से आते थे भाग के, तो हम घंटों बैठते थे भाई इधर, मतलब कुछ नहीं तो जिस टाइम फ़ोन वोन वगैरह हम यूज़ नहीं करते घंटों इधर ही बैठते थे भाई लोग हम, मतलब हमारा जो टाइम पास होता है इधर ही यहीं इन पहाड़ों में बैठ के बस यहाँ से देखे रहना नीचे को, यही टाइम पास था हमारा और तो कुछ नहीं था। ऐसी भाई सही कह रहा हूँ, क्या करते थे हम लोग इधर ही तो बैठ रहे थे। कुछ ऐसा कह गए साहिबा, ये मेरा दिल सीख जाए, क्यों गए हो पराए, तुम ही से बस था मेरा। यार भाई यहाँ से मन ही नहीं कर रहा है यहाँ बैठने का मतलब कुछ दिख नहीं रहा है उतना खास। अब इसके सामने वाली एक और पहाड़ी में जाते हैं, वहाँ से भी कुछ व्यू दिखने को मिलेगा, लेकिन जो मैंने कहा था वो तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा भाई। आ गया यार गाड़ी पे गर्म हो गया था तो ऊपर उतार दिया यार, बहुत गर्म हो गया भाई, मतलब 50 सीढ़ियाँ नीचे का 50 सीढ़ियाँ ऊपर आए, थक गए भाई इतने में ही, क्या करें यार वो है ना थोड़ा ब्रेक तो है लेकिन ऐसे चढ़ाई चुड़ी करने में थक जाते हैं यार हम भाई, हम फर्जी पहाड़ी है, फर्जी किसी को कहना मत भाई, ये भी फर्जी पहाड़ी है, ये भी फर्जी पहाड़ी है भाई कुछ नहीं है बाकी तो। एक बार सामने जाते हैं यार, यहाँ से तो कुछ दिखा नहीं हमें उतना खास जो हम सोचने आए थे कि हम बैठेंगे करके अभी, लेकिन अभी एक प्रॉपर कंटेंट देना है तो अभी यहाँ बैठ के कोई फायदा है नहीं तो दिखाता हूँ। बाकी तो भाई व्यूज है भाई, कुछ नहीं है अपने बागेश्वर में, एक चीज़ है भाई क्या कहते हैं, अगर तुम्हें घूमने के लिए कुछ नहीं मतलब एक बार तुम्हारे पास कोई स्कूटी हो या बाइक हो, कार मैं प्रिफेयर नहीं करूंगा मतलब मोस्टली, वैसे स्कूटी या बाइक दो चीज़ अगर आपके पास हो भाई आप निकल जाओ भाई, ₹200 का तेल डलाओ और मतलब जितने सारे पहाड़ दिख रहे ना ये सारे पहाड़ भी आप घूम जाओगे ना भाई एक नंबर में जाएगा भाई, क्योंकि भाई आपको इतने तगड़े तगड़े व्यू मिलेंगे ना भाई सारा, और गर्म ठंडे का एहसास तो भाई होगा ही होगा, मतलब मोस्टली गर्मियों के टाइम तो भाई कैड़ा ही सीन रहता है लेकिन जाड़ों के टाइम भी बढ़िया ही रहता है। अभी तो मतलब जैसे हम घूम रहे थे हमें तो मजा ही आ रहा है भाई, तुम्हें भी देख के आ ही रहा होगा, जहाँ तक जितना मुझसे हो पा रहा है उतना तो भाई मैं दिखा रहा हूँ, बाकी यार अब मैं जो मैं इंजॉय कर रहा हूँ वो तो आप नहीं कर सकते भाई, सीधी सी बात है। तो अभी भाई देखो अभी इस वाले पहाड़ पे थे, अभी इस वाले पहाड़ पे आ गए भाई हम, सामने वाले जो मैंने कहा था ना वो सामने वाले पहाड़ पे जा रहा हूँ। ये देखो एक पहाड़ी रहा, एक पहाड़ जा भी हमें एक और एक सामने, ये तीन पहाड़ों के बीच में बागेश्वर जो जिसको पता नहीं है मतलब, तो ये है ये अपनी बागेश्वर, वहाँ से देखिए यहाँ से ये देख लो ये रहा अपना बागेश्वर। बाकी तो भाई 5-5 मिनट के डिस्टेंस पे है सारे तीनों पहाड़, पता नहीं चलता मतलब। भाई पहुँच गए हम अपनी दूसरी लोकेशन पे भाई, हमारा ये साल के लास्ट दिन का चैलेंज है कि आज हम बागेश्वर के सारे मंदिर दिखाएंगे आपको और तो कुछ नहीं। खस्सी वाली फीलिंग आ रही है, खस्सी वाली फीलिंग आ रही है भाई, चल नहीं पा रहे हैं यार हम, बताओ इतनी सी सीढ़ियाँ हैं 50-60 सीढ़ियाँ भाई, उतना भी नहीं चल पा रहे हैं। हाँ रहे भाई ऐसे भाई ऐसे हाँ ऐसे हाँ रहे भाई और कुछ नहीं। देखो भाई देखो भाई शेर देखो, शेर ये देखो भाई, हेलो भाई शेर देखो, देख दिया भाई, चेक दिस आउट गाइस दिस व्यू, ये अपना होम टाउन बागेश्वर भाई, ये देखो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, और ये हम हैं मंदिर तो बंद है भाई ऐसे घूमते घूमते आ गए, ये देखो भाई जय मैया, बहुत पहले आया करते थे यार, ये भी पिकनिक स्पॉट ही है भाई, संडे और छुट्टी वाले दिन का पिकनिक स्पॉट है भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ बैठ के। ये मंदिर बंद है, वो सामने है पिंडारी ग्लेशियर, ये पहाड़ों के पीछे पीछे पिंडारी ग्लेशियर, सारे ग्लेशियर इधर ही गए भाई, दर्शन दर्शन हो गए अपने,
अब चलते हैं घर को भाई, अब नींद आ रही है, सो जाते हैं अब, और कुछ नहीं है। बाकी शाम को कुछ अगर पार्टी वार्टी वाला सीन होगा तो वो दिखाऊंगा, वरना भाई ब्लॉग यहीं करते हैं एंड। जो भी चीज़ रहेगा अगर कुछ हो गया तो अभी फिर दिखाऊंगा, वरना ब्लॉग को करते हैं भाई यही एंड। कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो बताओ, कहाँ घूमने गए थे, क्या करने गए थे, क्या करने गए थे, क्या करने गए थे, क्या क्यों यार घर में क्यों नहीं, क्या क्या घूमा तुमने, क्या देखा वहाँ, हाँ वहाँ क्या देखा करो मंदिर में, साठी बजते था तभी आए थे, उल्टी हो जाता है, उल्टी हो जाता, अरे नहीं होगा उल्टी यार, हो रहा क्या गाड़ी पर, अच्छा दरवाजा बंद कर रहे यार, कैसे तगड़ा वाला दे दे इन्हें, एक मोड़ नीचे करा उल्टी हो जाता, हम का बोले उल्टी हो जाता और चले गया भाई गाड़ी से उतर गया नीचे। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।